डेफिनेटली उनको लगता है। सबसे पहले तो धन्यवाद देते हैं जेपी नड्डा साहब का और तेजस्वी सूर्या जी का, साथ ही साथ बिहार के अपने जितने बाजुओं के भाइयों हैं उन्होंने हमारा खूब साथ दिया है, आगे बढ़ने का मौका दिया है। हमने हर बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी उसको हम बहुत अच्छे से निभाने का प्रयास करेंगे, पूरी जोर से निभाने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ युवा मोर्चा में क्या कुछ नया चेंजिंग होगा आने के बाद, क्या कुछ नया कार्य? अभी देखिए कार्य समिति की पहली बैठक होनी बाकी है, तो जो भी हमें राष्ट्रीय स्तर पे दिशा निर्देश मिलेंगे उसका पालन करेंगे। और जिस तरह से हमने कहा कि संगठन को पूरी मजबूती से बिहार में जमुई में खड़ा करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जैसे कोविड के समय में युवा मोर्चा ने बहुत सारे काम किए हैं, कोविड खत्म हो गया है, अब क्या कुछ युवाओं के लिए करेंगे आप लोग संगठन को? जी बिल्कुल, संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग युवाओं का कार्यक्रम करेंगे, हर विधानसभा में कार्यक्रम करेंगे, जिला स्तरीय कार्यक्रम करेंगे, जिससे कि जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, सिद्धांत है, उनको हम आगे बढ़ा सकें।